हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक आरसी ड्रोन को। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका जो मॉडल नंबर है वो है TXD G1, इसका मॉडल नंबर है। और ये दोस्तों दो कलर में अवेलेबल होता है, ब्लैक कलर और रेड कलर में। दोस्तों ये मैंने 1800 रुपये का फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है। अगर आपको भी परचेज़ करना है तो उससे पहले आप इस पूरी वीडियो को देख लीजिए। वैसे दोस्तों जो इस पर चीट चुकी हुई है, आप देख सकते हैं इस पर जो इसका MRP रेट छपा हुआ है वो है 68 रुपये, यानी 68 रुपये। तो ये कैसे हो सकता है दोस्तों, मतलब ये MRP रेट 68 रुपये क्यों छापा गया है इस ड्रोन पे, ये मुझे भी समझ में नहीं आया। तो चलिए बॉक्स को अच्छी तरह से देख लेते हैं। तो जैसे कि आपने सभी तरफ से देख लिया है तो मैं पीछे से आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसके कुछ फंक्शन के बारे में बताया गया है। इसमें 2.4 GHz फ्रिक्वेंसी है, ये 360 फ्लिप करता है, बैरोमीटर हाइट सेट है और 1 की टेक ऑफ एंड लैंडिंग है और एक USB चार्जर है। तो बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो हमारा ड्रोन है ये विदाउट कैमरा वर्जन है। ये दो वर्जन में आता है, एक कैमरा वर्जन और एक विदाउट कैमरा वर्जन। दोस्तों कैमरा वर्जन का प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है और जो विदाउट कैमरा वर्जन है वो काफ़ी सस्ता मिलता है। तो चलिए अब हम अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ सबसे ऊपर मिलता है हमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जो कि ड्रोन और रिमोट दोनों के लिए एक ही इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर रिमोट के पूरे फंक्शन के बारे में बताया हुआ है, मैं आपको अच्छी तरह से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमोट के पूरे फंक्शन के बारे में बताया गया है और बैटरी वगैरह कैसे इंस्टॉल करनी है ये भी बताया गया है और बाकी ड्रोन को कैसे फ्लाई करना है ये भी हमें अच्छी तरह से समझाया गया है। तो चलिए फिलहाल मैं अभी इस मैनुअल को साइड में रख देता हूं और बाकी सभी चीज़ों को मैं बॉक्स से बाहर निकाल लेता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर मिलता है हमें एक USB चार्जर। तो ये एक USB 2 पिन चार्जर है, तो इस पर कुछ भी वोल्टेज वगैरह नहीं लिखी है। तो चलिए अभी मैं इसे नीचे रखता हूँ। और यहाँ पर आप दूसरी चीज़ देखेंगे तो ये है हमारे ड्रोन के लिए प्रॉपलर गार्ड्स। तो देख सकते हैं ये चार प्रोपलर गार्ड मिलते हैं हमें, जिससे हमारी ड्रोन की प्रोपलर डैमेज नहीं होती हैं। और यहाँ पर मिलती हैं हमें दो एक्स्ट्रा प्रोपलर्स, जिनका यूज़ हम ड्रोन की प्रोपलर डैमेज होने की बात कर सकते हैं। और जो लास्ट चीज़ हमें मिलती है वो है एक स्क्रू ड्राइवर, इससे हम अपने ड्रोन को रिपेयर वगैरह कर सकते हैं। तो बाकी चलिए ड्रोन और रिमोट दोनों को भी हम बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं सभी सामान हमारे बॉक्स के बाहर आ गया है। तो मैं अब आपको रिमोट दिखा देता हूं अच्छी तरह से। तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें दो जॉयस्टिक हैं, एक अप एंड डाउन के लिए और रोटेट के लिए, और दूसरी फॉरवर्ड बैकवर्ड और लेफ्ट एंड राइट के लिए। और बाकी काफ़ी सारे बटन हैं जैसे कि टेक ऑफ के लिए, और यहाँ पर है बैरोमीटर हाइट सेट के लिए और कैमरा और वीडियो के लिए। तो यहाँ पर हैं ट्रिमर बटन्स, तो ये सभी ट्रिमर बटन हैं। बाकी ऊपर की साइड में आप देखेंगे तो फ्लिप के लिए और दूसरी साइड में स्पीड के लिए बटन मिलता है। बाकी दोस्तों इस रिमोट के पीछे देखेंगे तो यहाँ पर है इसका बैटरी कंपार्टमेंट, यहाँ पर आप बैटरी डाल सकते हैं। और ये जो निकलता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे आप यहीं पर लगा रहने दीजिए, ये कुछ भी काम नहीं आता है, ये कैमरा वर्जन के लिए होता है। तो चलिए मैं अभी रिमोट को नीचे रखता हूँ और अपने ड्रोन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक फोल्डेबल ड्रोन है और इसकी लुकिंग कमाल की है। तो चलिए इसे मैं अनफोल्ड कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं ये काफ़ी छोटा लगता है फोल्ड होने के बाद, लेकिन अनफोल्ड होने के बाद इसका साइज ठीक ठाक हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप इसे कंपेयर करें S9W से तो ये उससे बेहतर ड्रोन है, मतलब ये S9W ड्रोन से काफ़ी अच्छा है और कम प्राइस में भी आ जाता है, क्योंकि इसमें आपको बैरोमीटर हाइट सेट और 1 की टेक ऑफ मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ड्रोन में यहाँ पर एक LED लाइट लगी हुई है। तो अभी आप इसको चारों तरफ से देख लीजिए। और बाकी दोस्तों आप इसे ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर इसमें एक ऑन ऑफ का बटन है, जिसे 2 सेकंड प्रेस करने के बाद ये ड्रोन ऑन हो जाता है। तो ये है इसकी बैटरी, इसे पकड़ के आपको बाहर की साइड में खींचना है तो यहाँ पर ये मिलेगी आपको एक बैटरी, जो कि दोस्तों ये जो बैटरी है ये 3.7 वोल्ट 500 mAh की बैटरी है। तो इसे चार्ज करने के लिए आपको अलग से एक चार्जर मिलता है, तो आप इसे चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार इसे चार्जर में लगा के दिखा देता हूं आपको। तो देखिए सिंपली आपको यहां पर बैटरी में एक सॉकेट मिलता है, आपको इस चार्जर को यहां पर लगा देना है
और किसी भी यूएसबी चार्जर की मदद से इसे चार्ज कर लेना है। देख सकते हैं इसमें रेड कलर की लाइट जलती है जो कि फुल चार्ज होने पे ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। तो चलिए फिलहाल मैं इसे ड्रोन में ही वापस लगा देता हूँ बैटरी को। तो ड्रोन में बैटरी को लगाना वैसे ही है जैसे आपने हटाया था और ये करना बहुत ही आसान है। जैसे कि मैं लगा रहा हूँ आपको भी वैसे ही लगा देनी है। तो देख सकते हैं बैटरी को हमने अच्छी तरह से लगा दिया है। तो बाकी चलिए दोस्तों अभी मैं इस ड्रोन को ऑन करके देखता हूँ। तो ये आपको 2 सेकंड के लिए प्रेस करना है और देख सकते हैं ये ड्रोन ऑन हो चुका है। और बाकी इसमें सामने की साइड में एक LED लाइट जलती है, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से इसकी लाइट जलती है जो कि दिन में भी आपको इजीली दिखाई दे जाएगी। ये तो टॉर्च का काम भी कर सकती है। तो मैं फ़िलहाल इसे ऑफ कर देता हूँ। सबसे पहले हम अपने रिमोट में बैटरी डाल लेते हैं। दोस्तों रिमोट में डालने के लिए हमें कोई भी बैटरी नहीं मिली है, ये आपको परचेज़ करनी होगी अपने पास ही की शॉप से। और दोस्तों आप इसमें चार्जेबल और नॉन चार्जेबल दोनों में से कोई भी बैटरी डाल सकते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि एक बार बैटरी डालने पर आपकी कम से कम 6 महीने ईजिली चल जाती है। तो देख सकते हैं बैटरी डालना बहुत ही ईजी है, कोई भी डाल सकता है। तो हमने इसमें बैटरी डाल ली है, अब इसके जो ढक्कन है इसे क्लोज कर देते हैं। तो चलिए अब एक बार हम अपने रिमोट को ऑन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे रिमोट में एक रेड कलर की लाइट जल चुकी है। तो चलिए अभी हम अपने रिमोट को ऑफ कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम अपने ड्रोन में प्रॉपर गार्ड लगा लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि इस ड्रोन की लुकिंग कैसी आती है। तो चलिए मैं इसमें प्रॉपर गार्ड लगाना शुरू कर देता हूँ। तो इन्हें लगाना बहुत ही आसान है, आपको कोई भी पेंच वगैरह नहीं लगाना है। देखिए कुछ इस तरह से आपको इन्हें लगा देना है, जैसे कि मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरह से आपको लगाना है। तो देख सकते हैं ये लग चुका है, बहुत ही आसान है लगाना। तो जैसा कि दोस्तों आप देख ही सकते हैं प्रॉपर गार्ड हमने अच्छी तरह से इसमें लगा दिए हैं और प्रॉपर गार्ड काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, प्रॉपर को डैमेज नहीं होने देंगे। और अगर डैमेज होती भी है तो आप 2 प्रॉपलर आपको एक्स्ट्रा मिलती है, इनका यूज़ कर सकते हैं। और लुकिंग तो आप देख ही सकते हैं प्रॉपर गार्ड लगाने के बाद कितनी बढ़िया आ रही है। तो चलिए मैं अभी ड्रोन को ऑन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं ड्रोन ऑन हो चुका है। अब हम अपने रिमोट को ऑन कर लेते हैं और फर्स्ट वाली जॉयस्टिक को एक बार अप एंड डाउन करना है आपको। तो जैसे ही आप अप एंड डाउन करेंगे तो आपका जो ड्रोन है वो रिमोट से कनेक्ट हो जाएगा और लाइटें स्टेबल हो जाएंगी। तो उसके बाद जैसे ही आप फर्स्ट वाली जॉयस्टिक को एक बार ऊपर करते हैं तो देखिए ये स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें आपको केवल 1 की टेक ऑफ बटन को दबाना है, ये फ्लाई करने लगेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं ग्राउंड में और करते हैं इस ड्रोन की फ्लाइंग टेस्टिंग। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम ग्राउंड में आ चुके हैं और हमने अपने ड्रोन को टेक ऑफ कर लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से फ्लाई कर पा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये S9W से बेटर क्यों है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको 1G टेक ऑफ मिलता है और ये ड्रोन बैरोमीटर हाइट सेट के साथ आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी भी S9W से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और दोस्तों जो सबसे मेन है वो है इस ड्रोन का प्राइस। S9W तकरीबन आपको मिलता है 2200 रुपये से 2400 रुपये तक का, लेकिन ये वाला ड्रोन आपको 1800 रुपये में ईजिली मिल जाता है। दोस्तों इस ड्रोन में आते हैं 3 स्पीड मोड, आप स्लो स्पीड में चला सकते हैं, नॉर्मल स्पीड में भी इस ड्रोन को चला सकते हैं और फास्ट में भी चला सकते हैं। अगर आप इसे स्लो स्पीड में चलाएंगे तो ये उतना ही स्टेबल फ्लाई करेगा, आप नॉर्मल में चलाएंगे तो थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा और फास्ट में चलाएंगे तो फिर ये बहुत अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन स्लो में चलाएंगे तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टेबिलिटी इसकी आती है। तो एक हाथ से भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी चार्जिंग की। तो जैसा कि आपने इसकी बैटरी देख ही ली है, 3.7 वोल्ट 500 mAh की इसकी बैटरी है। तो दोस्तों उस बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 40 से 50 मिनट लगती हैं, उसके बाद आप इस ड्रोन को लगातार 10 मिनट फ्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके रिमोट की रेंज की। तो दोस्तों इसकी जो रिमोट की रेंज है वो आपको 200 से 250 फीट की मिल जाती है। तो 200 और 250 फीट का काफ़ी बड़ा ग्राउंड होता है, तो आप काफ़ी बड़े ग्राउंड में इसे फ्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इंडोर और आउटडोर में इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो इसे इंडोर में भी फ्लाई कर सकते हैं और आउटडोर में भी फ्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं 360 फ्लिप भी ये कर सकता है। और आप देख सकते हैं मैं इसे थोड़ा दूर लेके जाने वाला हूँ, तो आप देख सकते हैं ये दूर भी एकदम स्टेबल और परफेक्टली फ्लाई करता है।
और दोस्तों यहाँ ग्राउंड में अभी काफ़ी हवाएं चल रही है, उसके बाद भी ये ठीक ठाक फ्लाई कर रहा है। लेकिन दोस्तों अगर और ड्रोन की या किसी भी इतने बड़े मिनी ड्रोन की बात करते हैं तो इतनी तेज़ हवा में मिनी ड्रोन बिल्कुल भी फ्लाई नहीं कर पाते हैं जितना कि ये बढ़िया तरीके से फ्लाई कर पा रहा है। तो आप देख ही सकते हैं ये है इसका स्पीड मोड, तो काफ़ी बढ़िया लगता है जब ये अपनी स्पीड में, देख सकते हैं कितनी तेज़ चलता है ये, और देख सकते हैं जब ये एकदम रुक जाता है, तो हम रिमोट को बिल्कुल अगर छोड़ दें तो ये एक जगह पे रुक जाता है। तो चलिए मैं अभी वापस से इसे नीचे ले आता हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो और ये ड्रोन अच्छा लगा हो तो लिंक मैंने इस ड्रोन का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।